नगर की जे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलपुर के राजा प्रभु श्री राम को हृदय में रखकर हम कार्य की शुरुआत करते हैं तो गरल सुधारी पुकरहि मिताई गोपद सिंधु अनल सितिलाई गरुड़ सुमेरु रैन समताई राम कृपा कर चितवा जाई। आओ हम वर्ष 2024 प्रथम मंगलवार की शुरुआत श्री डाबा हनुमान जी महाराज के मंदिर के दर्शन से करें। श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन से करें, साधु संतों की तपस्थली श्री डाबा हनुमान जी महाराज के दर्शन से करें, श्री 1008 श्री लालदास जी महाराज की तपोभूमि, संत शिरोमणि त्यागी जी महाराज और वर्तमान में 18 वर्ष से तपस्या कर रहे श्री 1008 श्री मोहनदास महाराज की तपस्थली श्री डाबा हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। सिरोही के सटे हुए अर्बुदा गौशाला डाबा जोड़ में श्री हनुमान जी महाराज का अति प्राचीन मंदिर है। कहते हैं इस स्थान पर पहले सिरोही बसता था, आज इस निर्जन स्थान में श्री डाबा हनुमान जी महाराज का मंदिर है, जहां लोगों की गहरी आस्था है। हर मंगलवार और शनिवार को यहां लोग पहुंचते हैं। वर्तमान में यहां बहुत सुंदर सड़क मार्ग बनाया है। यहां हम बिल पत्र को देख रहे हैं, ये श्री डाबा हनुमान जी महाराज का मंदिर है। सज्जनों, बहुत आनंद आ जाएगा आप यहां पहुंचिए, कभी समय निकाल कर। और अब तो सीधा मार्ग है, सिरोही अनादरा मार्ग पर श्री डाबा हनुमान जी का सीधा सड़क मार्ग है, जिसे वर्तमान में बहुत खूबसूरती से बनाया है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जीतेन्द्रियम बुद्धिम ताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हे हनुमान जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, संसार पर कृपा कीजिए, संसार पर आपके भक्तों पर कृपा कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज की दिव्य अति दिव्य प्रतिमा के दर्शन कीजिए साहब। ये श्री डाबा हनुमान जी महाराज के मंदिर मल पर श्री लालदास जी महाराज ने, कहते हैं कि कई दशकों तक, कोई कहता है कि 40 वर्ष तक इस स्थान पर रहे। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की, 14 वर्ष तक दायां हाथ को ऊपर रखा। ये श्री ब्रह्मा जी महाराज की अति प्राचीन प्रतिमा है। कहते हैं यहाँ पास में खुदाई के दौरान ये प्रतिमा मिली, जहाँ इसे रखा गया है। इस बात का प्रमाण है सज्जनों कि हमारी आध्यात्मिक जड़ें बहुत गहरी है, हमारी धर्म सनातन संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी है। श्री शिवराम दास जी महाराज जो वर्तमान में पिंडवाड़ा विराजते हैं, यहाँ इन्होंने लंबे समय तक खड़ी तपस्या की, धूनी चलाई। और श्री मोहन वर्तमान में श्री 1008 श्री मोहन जी महाराज ने भी 18 वर्ष की धूनी जलाकर तपस्या की। देखिए हाँ, वापसी चौकीदारा करते हैं हनुमान जी का है। हनुमान जी जगत का चौकीदारा करते हैं, राम वापसी का चौकीदारा करते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो वापसी। कुछ कहेंगे दुनिया को?
कोई बोले दुनिया को कुछ कहना चाहोगे? शांति है, मतलब मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, क्या बात है। जगह है हाँ, इसको कहते हैं सर डाबा जोड़। ये डाबा जोड़ है, ठीक है। ये महारानी जी ने दरबार साहब ने ये जोड़ गोचर पहले गांव में यहाँ था, पहले गांव था, पहले गांव था जी, और यहाँ गोचर बना। हाँ, राजा महाराणा ने ये दे दिया गौदान में, गोशाला के लिए। तो दरबार साहब ने बोला कि भाई यहाँ से तुम उठो और सिरे में जगह देता हूँ। सिरे में जगह दी और अभी भी डाबा सिरे के अंदर अपने है। डाबा वहाँ डाबा गांव है, यहाँ का उठा हुआ डाबा गांव, ठीक है। लालदास जी महाराज की भी आपने सेवा की, आप कह रहे हैं? हाँ की सर। तो वो भी यहाँ सालों तक रहे? सालों तक रहे, हमने तो यहाँ देखे उनको, पहले आए थे ये। अच्छा, और आए तब इन्होंने हाथ में लाल चोला पहना हुआ था। हाँ हाँ, हाथ ऊपर ही रखते थे वो? हाँ ऊपर ही रखते थे वो हाथ, 12 साल 14 साल उनका हाथ ऊपर रहा। ओ हो हो हो, ऐसे ही रखते थे? ऐसे ही रखते थे, वैसे इन्होंने काम करते थे, सेवा पूजा करते थे, एक हाथ से सब वो उनका कारण संभालते थे। लेकिन हाथ कभी नीचा नहीं किया उन्होंने? नहीं किया, सोया तो नहीं किया, खड़े तो काम करने तो नहीं किया, जो काम के बारे में अंदर हाथ नीचा नहीं किया उन्होंने। अच्छा, वैसे वैसे रहा उन्होंने जो पूरा हुआ। ये जो सड़क आप देख रहे हैं जी, यहाँ ये पहली बार बनी है पक्की सड़क? तो ये पक्की सड़क पहली बार बनी है, बाकी कच्चा रास्ता था। कच्चा रास्ता था, आते थे गाड़ी भी, आते थे घोड़े भी आते थे। लेकिन ये तपोभूमि, यहाँ मंदिर बहुत पुराना है, डाबा जोड़ के नाम से ये जगह है, और डाबा गांव था, गांव और हनुमान जी भी डाबा हनुमान जी है। जैसे बोला जाता है डाबा हनुमान जी नाम से पहचाने जाते हैं। हाँ हनुमान जी महाराज जी जी, कहाँ जा रहे हो आप? कि हम तो डाबा हनुमान जी जा रहे हैं। ठीक बात है। और इनका नाम थे डाबा जोड़। अच्छा, आप कह रहे हो कि वहाँ पहाड़ की तलेटी में कुछ गुजर रहते थे? हाँ पहले गुजर रहते थे अपने, ये यहाँ से लगा तक पूरे अपने खोबा से लगाकर ये पूरा मगरे घोड़ 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 में। हाँ। पूरे अभी भी वहाँ ईटम भी निकलती है पुरानी। ये जो ईट की बात कर रहे हो आप, ये कहाँ से कहाँ निकली? ये ईट तो अपने उपले भाग से निकली है, जो यहाँ गांव था, यहाँ गांव था। और ऐसी ऐसी ईट ये मगरे के कोने पे निचले से ढलन में। हाँ। यहाँ भी ये ईटा अभी। अच्छा, भी ये जो ब्रह्मा जी की मूर्ति है ये भी यहीं से निकली? यहाँ से निकली है, यहाँ से थी जो लागे डबा हनुमान जी के अंदर।